सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो का सका है। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह के 11:56 हो रहे हैं। सो अभी मैं इसको भौंक ले तू ही पहले। सो गाइस, मैं अभी आधे घंटे पहले ही उठा हूँ। तो अभी मेरा एक दोस्त आया था मेरे पास, तो वो बोला कि अमन भाई, जो भी आपने व्लॉग अपडेट किया है यूट्यूब पर अभी 8 बजे मॉर्निंग में, तो उसमें कुछ इशू हो गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है कुछ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो उसने बोला उसमें अभी 10-10 सेकेंड में कुछ ब्लैक ब्लैक क्लिप आ गई है, कुछ 10-10 सेकेंड की। सो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं तो एडिट कर रहा था बैठ के, तो ऐसा कुछ आया नहीं मेरे पास। सो अभी मैंने फिर अपना लैपटॉप ऑन करा, फिर मैंने इसको दोबारा देखा। सो इसमें तो कुछ मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, शायद वो अपलोड करते हुए कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। उसको इग्नोर करना, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसा कुछ इतना बड़ी बात है नहीं, 10-10 सेकेंड की। वो मेरा फर्स्ट ट्राई था, फर्स्ट ट्राई में तो ऐसा होता रहता है। सो लेकिन वो बोल रहा था कि इसको डिलीट कर दो। सो अब मैं सही बताऊँ तो मैं रात 10 बजे उसको बैठा एडिट करने के लिए, और सुबह 4 बजे तक उसको मैं एडिट करता रहा, 6 घंटे लगे। और वो आगे बोल रहा उसको डिलीट कर दो। तो मैंने कहा भाई माफ़ कर, ये सब नहीं होगा मेरे पे, डिलीट करने में 1 सेकेंड लगेगी मुझे, और मेहनत उसमें मैंने 6 घंटे की है। अब ये 10-10 सेकेंड का तो चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। ये भौंक रहा है, इसने मेरे सिर में दर्द कर दिया। वैसे नहीं भौंक रहा है, मेरी आवाज़ सुन के भौंक रहा है कि क्या बात कर रहा है अंदर, अकेले अकेले इतना चिल्ला गया। इसको मैं चुप करा के आ रहा हूँ। लोगों तो वो 10 सेकेंड का इतना बड़ा क्लिप कुछ नहीं है जो अभी ब्लैक ब्लैक आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा अपना व्लॉग, मैंने उसके फ़ोन में देखा। तो अगर आपको व्लॉग वो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करना। और आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं भी बहुत अच्छी जगह जाने वाला हूँ। सो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ के भी मैं कुछ अच्छे अच्छे फुटेज लूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो पर बने रहना, और अभी अभी आए हो तो अभी लाइक कर देना, चाहे सब्सक्राइब बाद में करना लेकिन लाइक अभी कर देना। तो चलो। सो बेसिकली अभी घर में वैसे कोई है नहीं, अभी सब मंदिर गए हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। हैप्पी महाशिवरात्रि। सो अभी मैं जाऊँगा, चाय बनाता हूँ, चाय पीऊँगा, फिर फ्रेश व्रेश होकर नहा धोवा के फिर निकलते हैं अपने प्लेस पर। नावा के ऑल सेट हो चुके हैं, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टूर पर। तो चलिए। Hold me close till I get up, time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And I
towards the sun rays, and on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. तो यस गाइस, आज तो ऋषिकेश का टूर है और आज वैसे भीड़ भड़ाका भी बहुत है क्योंकि आज शिवरात्रि है, बार बार से गाड़ी आ रखी हैं इधर, तो हालांकि बहुत कम है लेकिन मैं रास्ते से आ रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो एक तो पीछे का व्यू भी इतना मस्त आ रहा ना मेरा, मैं थोड़ा और गाड़ी आके रोकता हूँ जहाँ व्यू अच्छा है, तो चलते हैं आगे। तो गाइस यार, ऋषिकेश का राम झूला कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर। तो गाइस लोग तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा आ रखे हैं और काफ़ी अच्छा है, भरा भरा सा है। अब जब भी मैं आऊँ तो बहुत खाली खाली है, आज बहुत ज़्यादा लोग आ रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गोवा वाले बीच पे आ गया हूँ। लो आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस एक बात बताओ, जैसे हम मार्केट जाते हैं कुछ भी सब्जी वगैरह लेने, कुछ भी अगर लेने जाते हो तो सबके प्राइस एक जैसे होते हैं, कम से कम अगर डिफरेंट भी होगा तो 5-10 रुपये का होगा। तो मैं अभी स्कूटी में पार्किंग में लगा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि हाँ पार्किंग का चार्ज कितना है, तो उसने बोला कि 100 रुपये, आधे घंटे के लिए 100 रुपये। मैंने कहा 100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा भाई? तो उन्होंने कहा नहीं भाई 100 रुपये ही है। तो उसके बराबर वाले से मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई मतलब आधे घंटे के लिए लगाना है मुझे स्कूटी, तो तुम क्या लोगे? तो उसने बोला कि 50 रुपये। तो मैं उसके 100 रुपये वाले के पास में दोबारा गया, तो मैंने पूछा भाई तू 100 रुपये क्यों ले रहा है? तो उसने बोला भाई जैसे अब तुम लगा के जाओगे तो जब तक आप आओगे आधे घंटे में हम स्कूटी को चमका के रखेंगे, कपड़ा वपड़ा मार के रखेंगे। तो ना मैंने 100 रुपये वाले को दी, ना मैंने 50 वाले को दी, मैंने कहा स्कूटी मैं रोड के किनारे पर लगा दूंगा, कोई उठा के थोड़ी ले जा रहा है ना, या फिर कोई अगर उठा के ले गया तो। मैं जा रहा हूँ जरा स्कूटी पार्किंग में लगा के आ रहा हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। जो 50 रुपये वाला है मैं तो उसी को पार्किंग वाले को दे के आ रहा हूँ स्कूटी अपनी। मैंने कहा ले भाई आधे घंटे के लिए पकड़, कभी कोई उठा के ले जाए यार, पैदल जाना पड़ेगा बहुत दूर। Hold me close.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. अगर व्यूज़ अच्छे लगे हों आपको तो लाइक कर दो. यहाँ तक आ गए हो अभी भी लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना. ओके सो आगे मैं आगे डेस्टिनेशन पर और जाते हैं, फिर वहाँ के दिखाते हैं वहाँ का क्या सीन रहेगा. तो चलो आगे चलते हैं. साइड में रुका हूँ क्योंकि स्कूटी चला चला के मैं थक गया हूँ. तो अभी पहुँचने में कम से कम घर एक घंटा लगेगा मुझे. तो वैसे मैं हरिद्वार में एंटर कर चुका हूँ. सो गाइस ऋषिकेश से निकले हुए तो बहुत टाइम हो गया. मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि इधर रश हो रहा है बहुत ज़्यादा, गाड़ी की आवाज़ भी आ रही है और उधर भी बहुत ज़्यादा हो रखा था. तो मैं आपसे घर पहुँच के मिलता हूँ, तब तक के लिए आप व्यू का मजा लो. सो गाइज अब वापस आ चुके हैं जहाँ से सुबह वीडियो का स्टार्ट हुआ था, और वीडियो का एंड भी वहीं से होगा. इट मीन्स घर आ चुका हूँ वापस. और आज ऋषिकेश के आपको कुछ सीन दिखाए, अगर वो सीन अच्छे लगे हों, व्यू अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर और कमेंट भी ज़रूर करना. शेयर और कमेंट नहीं कर रहे अब आई थिंक. तो अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना. So I will see you guys in the next video. Tab tak ke liye, thanks for watching. Brother, it's caught in the crossfire.